मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसी कॉलेज में से आया हूँ और मेरे भी 60% थे, मैंने भी ऐसी चीज़ें करी थी और मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ और मैं क्या मस्त चीज़ कर रहा हूँ, मेरे दोस्त के सामने मैं क्या मस्त आवाज़ निकाला यार, उस लड़की ने मुझे देखा, मैं आवाज़ में इतना फेमस हूँ अपने क्लास में, मैं कैसे मस्त आवाज़ निकालता हूँ। पर 4 साल बाद कोई ये चीज़ याद नहीं रखेगा, लोग देखेंगे कि आप कितने पैसे कमा पा रहे हो और क्या काम कर रहे हो। अगर एक घर भी लेना है ना, EMI का 60-70,000 जाता है। मैं तुम्हें सीरियसनेस बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है प्लेसमेंट का, क्या इंपॉर्टेंस है पैसे कमाने का। अगर मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर मुझे 2 BHK फ्लैट लेना है, 3 BHK फ्लैट लेना है, 70-80-1 करोड़ से भी ऊपर के फ्लैट्स अवेलेबल है, 50 लाख से पहले लूंगा मुंबई से बाहर, नवी मुंबई, उसका भी EMI कितना होगा, 50-60 हज़ार। क्या TCS के जॉब से मैं कर सकता हूँ 20-25 हज़ार से? नहीं कर सकता। पर हम मैक्सिमम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं। घर वालों ने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए यार, मैं बता रहा हूँ तुम पे, 1-1 लाख रुपए तुम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे कि ये बच्चा मेरी फैमिली की सिचुएशन चेंज करेगा। घर वाले लोग हमेशा काम पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज मुझे काम पे आना जरूरी है, नहीं तो मेरा बेटा आज पढ़ नहीं पाएगा, मैं उसका फीस अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, हॉस्टल का पैसा अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। पर हम सोचते ही नहीं उनके बारे में। सच बता रहा हूँ, मैं भी आप ही जैसा था, मैंने 4 साल अपने वेस्ट किए थे इंजीनियरिंग के, 2 साल ड्रॉप लेके मैंने गेट एग्जाम क्रैक किया, बाद में मैं IIT बॉम्बे गया, तब मुझे समझ में आया कि कैसे इंजीनियरिंग करने चाहिए थी, इसलिए बता रहा हूँ। बचा सकते हो? हाँ ठीक है, जब तक हम प्रॉब्लम फेस करते ना तब तक टाइम चला जाता है, दुनिया की हर चीज मिल सकती है, पैसा ही मिल सकता है, गर्लफ्रेंड भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। पर एक बार टाइम चला गया, सुनो मेरी बात, अगर टाइम चला गया ना, जो गर्लफ्रेंड है भी वो भी चली जाएगी। और ये मैं बता रहा हूं, ये जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो भी तुम अभी जिस भी कंपनी में हो, जिस भी तुम सर्कल में हो, उस सर्कल में भी आधे से ज्यादा लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं 4 साल के बाद, सब जन अपने काम में बिजी हो जाएंगे, अपने प्रॉब्लम में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई तो 25,000 का जॉब करेगा ना, वो तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि मैं रेंट कैसे पे करूं, मैं आज घर पे कैसे ये दूं, मैं मॉल में जाके अरे मैं कपड़े देख रहा हूं खरीद नहीं पा रहा हूं, ठीक है, हर कोई अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई आपको घंटा भाव नहीं देगा, कोई आपके मैसेजेस नहीं देखेगा, ना ही आपको मैसेज करने किसी को मन करेगा। पर अगर आप अच्छे जगह पे होगे, अच्छे पैकेज के साथ होगे, दुनिया में आपको पूजा जाएगा। हर मंदिर में 2 पत्थर होते हैं, एक नारियल फोड़ने के लिए, एक पूजने के लिए, कौन सा पत्थर बनना पसंद करोगे वो आप पे, कि नारियल फोड़ना है, हर कोई आके आप पे कुछ ना कुछ ताना मार के चले आएगा, या फिर दुनिया के सामने कुछ तो बनना है कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। 3rd ईयर में एलिजिबल है हर एस्पिरेंट गेट एग्जाम के लिए। क्यों एलिजिबल है? क्योंकि नहीं चाहता कोई भी इंसान कि पास आउट होने के बाद किसी इंसान को स्ट्रगल करना पड़े, पास आउट होने के बाद किसी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, वो भी इंडिया में जॉब के लिए, इससे डिफिकल्ट सिचुएशन हो नहीं सकती। 4 लाख 5 लाख 6 लाख आपके ऐसे ही जाने वाले 4 साल में, ठीक है, घर वाले लोग को आप नहीं जवाब दे पाओगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे कि मेरा बच्चा मेरी फैमिली की सिचुएशन चेंज करेगा, हर पेरेंट्स ऐसे ही सोच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, भगवान के भरोसे चल रहे हैं और भगवान आपके भरोसे चल रहे हैं। तो सोचो इस 2 साल में कैसे अपने आप को प्रिपेयर करोगे। अगर आप 1st ईयर में भी हो तो भी एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। 100% लोग, अगर 8 लाख लोग गेट एग्जाम अपियर करते हैं या फिर 1 लाख भी लोग गेट एग्जाम अपियर करते हैं, उसमें से कितने लोग क्वालिफाई होते हो पाते सर? 100 में से 25 मार्क्स लाने वाले कितने लोग होते हैं? सब लोग इंजीनियर है, सबके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है, सबके पास 8899 पॉइंटर भी होगा। 18% लोग, 10% लोग, ये क्या बताता है कि हमें अपने आप को क्वेश्चन करने की जरूरत है कि हम एप्टीट्यूड भी नहीं सॉल्व कर सकते 4 साल की इंजीनियरिंग स्पेंड करने के बाद। क्या आप इसका ब्लेम अपने कॉलेज के प्रोफेसर पे डालना चाहते हो कि ये हमारे कॉलेज में पता ही है ना आपको क्या प्रोफेसर आता है, उसका क्या लेवल है, वो क्या किस तरह से कॉन्सेप्ट डिलीवर करता है? अरे दुनिया में किसी पे भी डिपेंडेंट रहना अपने आप को बेवकूफ बनाना है, ठीक है। अगर
अगर कोई लड़की बात नहीं कर रही है, अभी कोई लड़का बात नहीं कर रहा, अपने दोस्तों में डिस्कशन करती हूँ ना कि इससे मैं कैसे बात कर सकता हूँ, तो वैसे ही सलाह लो कि मैं इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकता हूँ। जो भी इंस्टाग्राम अभी बहुत लोग देखते होंगे, वो बॉटल फ्लिप करके खड़ी हो जाती है, वो क्या एक बार में खड़ी होती है, बार बार अटेम्प्ट करते रहते हैं ना, तो वैसे ही किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, लगे रहना। वो आप कब लगे रहोगे वो आप पे डिपेंडेंट है। एग्जाम यहाँ से पास आउट होने के बाद प्रेशर लेके सर पे कि मुझे क्रैक करना है तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, या फिर अभी हंसते खेलते, ठीक है, 4 घंटे भी अगर आप प्रिपेयर करोगे ना अभी से 4 घंटे, तो भी आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। अगर किसी इंसान ने इस क्लास में थर्ड ईयर में गेट एग्जाम में रैंक निकाला ना 50 के अंडर 100 के अंडर, पूरे क्लास में वो स्टार बन जाएगा। अलग नजरिए से देखेंगे, हर इंसान आपको अलग नजरिए से देखेगा, क्योंकि क्वालिफाई कितने हो गए लोग सर, बहुत गिने चुने लोग क्वालिफाई होने वाले, उसमें से अगर आप रैंक निकालते हो पूरे कॉलेज में स्टार बन जाओगे कि किसी का तो रैंक आया थर्ड ईयर में। स्टार बनना है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, किसी के सामने बोल नहीं पाते हो, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, आप ऊ करके आवाज नहीं निकाल पाते हो, तो ये बेस्ट तरीका है नॉइस करने का। ऐसा नॉइस क्रिएट करो कि पूरे कॉलेज को सुनाई दे, ठीक है, ये ऐसा ऊ ऐसा वो ऐसा कुछ करके फायदा नहीं है। इन्होंने लास्ट ईयर में ही गेट एग्जाम क्रैक किया है और इनका 44 लाख का पैकेज मिला है, तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। मैं सच बता रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस कुछ काम का है, थोड़े देर के लिए सुनो, थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। यहाँ पे पढ़ाई कैसे करते वो नहीं सिखाने वाला, वो बस सुनो उसे थोड़ा।